हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैक इंडिया टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मुंबई डॉक यार्ड्स लिमिटेड्स के बारे में, जहां से आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिस निकले हुए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि कौन कौन सा ट्रेड के लिए अप्रेंटिस निकाला गया है और कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। अभी हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में है, जो कि देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन नेवी में डॉक यार्ड्स बनाया जाता है। और जैसे कि मझगांव डॉक्स लिमिटेड्स मुंबई डॉक्स लिमिटेड के ही अंतर्गत आता है, तो इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आई है उस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो ये रहा दोस्तों इनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन डिज़ाइन ट्रेड्स, जो कि एट डॉक यार्ड्स अप्रेंटिस स्कूल्स नोहेट डॉक यार्ड्स मुंबई, यहाँ से निकाला गया है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बात करेंगे, जो कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 338 वैकेंसीज दिखाया गया है। और ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं वन ईयर ट्रेनिंग, यहाँ पे टू ईयर ट्रेनिंग का अप्रेंटिस निकाला गया और वन ईयर ट्रेनिंग की अप्रेंटिस निकाला गया, जो कि हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर्स, मैरिन इंजन फिटर्स, फाउंड्रीमैन्स, बहुत सारा ट्रेड्स का यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस निकाला गया, जो कि अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी को शो किया गया है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन में, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा कि इस चीज़ में क्या क्या मांगा जा रहा है। ये हुआ ऑन ईयर्स ट्रेनिंग्स का जो है अप्रेंटिस है। और आगे देखेंगे हम लोग जो है टू ईयर्स ट्रेनिंग, यहाँ पे टू ईयर्स ट्रेनिंग का भी निकाला गया है। और ये जो है शिपराइट स्टील्स रिगर्स फोर्ज एंड हेयर ट्रिगर्स, यानी कि फिटर और फ्रेशर 8th पास और फ्रेशर 10th पास के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला गया। ये भी एक आईटीआई अप्रेंटिस है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और आईटीआई 10th स्टैंडर्ड्स में 50% और आईटीआई जो है एनसीवीटी जो दिया गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रेंटिस एप्लीकेबल होना चाहिए, ये बात कही जा रही है, जो कि 60% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब एज की बात करें तो एज जो है कैंडिडेट का जो जन्म जो है 1 अगस्त 2021 और 31 अक्टूबर 2008 के बीच उसका जन्म होनी चाहिए। इससे यानी कि 2009 में अगर जिसका जन्म हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इसका मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट जो है 45 केजी होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर्स मिनिमम होनी चाहिए। और आई साइट की बात करें तो आई साइट का क्राइटेरिया ये रखा गया 6x6, 6x9 और 6x9। और प्रीवियस ट्रेनिंग्स की बात करें, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि पहले से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थे और वो किसी कारणवश छोड़ के चले गए, तो वो इसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, नो आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें, इस एग्ज़ाम जो है मुंबई में ही होगी, मुंबई का 2022 अगस्त में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। और एग्ज़ाम जो है 2 आवर्स ड्यूरेशंस की होगी, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होगी, जिसमें कि जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रही है, तो कि द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली, यानी कि मुंबई में ही इसका एग्ज़ाम सेंटर होगी, इसके अलावा और कहीं नहीं होगी। ट्रेवल और एक्सपेंसिव्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेवल एक्सपेंसिव खर्च किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। बोर्डिंग लोडिंग ये जो होती है, ये भी इंटरव्यू के टाइम ये भी आपको नहीं दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो तिथि है 21 जून 2022 से स्टार्ट होगी और
8 जुलाई 2022 तक इसकी समाप्ति तिथि है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। अभी 21 जून अभी आने में समय है, बट इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद इसको आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे जुड़ी और भी जानकारी अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।